मैं हूं आपका अपना भाई अनिल ढांडा और आज हम पहुंच चुके हैं जाजवान गांव के अंदर। और जैसा कि यहां पे देख सकते हैं कि जाजवान गांव के अंदर जो मुहिम छेड़ी हुई है, जो कोरोना वायरस मिशन है उसको पूरा करते हुए, और यहां के लोग मिलजुल के युवा साथियों के साथ सरपंच जी भी लगे हुए हैं, और ये सैनिटाइज किया जा रहा है गाँव को, जो कि शायद ये पहले भी इन्होंने किया था लेकिन आज भी ये सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात भी करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे किस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जाजवान गांव के अंदर ये खुद सरपंच लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट के साथ ये सैनिटाइज कर रहे हैं, और जो युवा साथी है बहुत ही एक्टिव तरीके से, आप देख सकते हैं पूरा गैप मेंटेन है पूरे तरीके से, सभी ने मुंह कवर किए हुए हैं, कोई भी मैनेजमेंट के अंदर कोई कमी नहीं है। और ये सरपंच जी खुद ही अपनी बागडोर संभाले हुए हैं, अगर जनता ने इन्हें चुना है अपने गाँव का सरपंच तो कोई गलती नहीं की है, क्योंकि ये हमेशा इन मौक़ों पर आगे रहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी वर्क है, सोशल वर्क है, उसमें हमेशा आगे रहते हैं, और इसके रिगार्डिंग हम इनसे बात भी करेंगे। अभी हमारे सरपंच साहब अपने गांव के युवा साथियों के साथ मिलकर गांव को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सरपंच साहब का फ़ोन आ गया है, लेकिन अभी तक ये बागडोर संभाले हुए थे, और बहुत अच्छे तरीके से युवा टीम इन्होंने बना रखी है जिसके तहत ये अपना काम कर रहे हैं, और ये इन्होंने काफ़ी बार कर चुके हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। थोड़ा सा फ्री होते हैं जैसे ही, तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने मुहिम छेड़ी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जाजवान गांव के सरपंच हैं मिस्टर राजेश मोर, और अभी हमारे साथ हैं तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो राजेश जी, आप यहाँ पे जो सैनिटाइज कर रहे हैं आज गांव को, इससे पहले भी कुछ ही तरह की आपने मुहिम छेड़ी है? हाँ, दो बार पहले कर चुके हैं, तीसरी बार आज किया जा रहा है पूरे गाँव को, और पूरे गाँव में संदेश दिया जा रहा है भाई इकट्ठे ना हो, और ये कोरोना की लड़ाई है, इसको सारे भाई एकजुट होकर ना जीतेंगे, और जो भी रूल हैं इसको इसके अगेंस्ट में वो सारे भाई फॉलो करेंगे, और सारा पूरा गांव और युवा टीम और मेरी पूरी पंचायत, हाँ जी, बहुत ही अच्छा शो कर रही है इसमें। हाँ जी, मेरे पूरे गांव का बहुत बढ़िया शो है जी, सारे भाई इसका पालन कर रहे हैं, कोई भाई बाहर नहीं जा रहा, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं सारे जी, और जो भी इनको बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, हाँ जी, सारी बातें फॉलो करके और अपने गाँव को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और हम अपने गांव को बचाएंगे उसके साथ ही अपना देश बचेगा, और तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। ये लड़ाई है कोरोना के विरुद्ध, इसमें कोई हथियार हम उठा नहीं सकते जी, लेकिन इसको जीतने के लिए जी छुपा हुआ शत्रु है, इसलिए हमें भी इसके साथ एक छुप के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम जीत पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे कि पहले भी आपने दो बार सैनिटाइज किया है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको सहयोग था या आपने पर्सनली तौर पर किया? पहले हमारा कोई सहयोग नहीं गवर्नमेंट का, अब की बार गवर्नमेंट से आया हुआ है सैनिटाइज, पहले हमने दो बार अपने खुद अपने फंड अरेंज करके उसके बाद हमने पूरे गाँव को सैनिटाइज किया था। ओके, तो जैसा कि आपने पहले अपनी तरफ से मुहिम छेड़ी है तो ये आपने बहुत ही अच्छा किया, और सबसे बड़ी बात है जो जाजवान गाँव के सरपंच है, मैं जानता हूँ पढ़े लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक लेडी सरपंच है, हाँ। तो उनके आप क्या लगते हैं सर? छोटे भाई की मिसिज है सरपंच, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा अच्छा, और अपना जो भी मेरा काम है ड्यूटी है उसको निभा रहा हूँ जी, वो एक लेडीज है, वो भी अपना पूरा काम सहयोग करती है जी, उसके साथ साथ मैं उनका पूरा सहयोग करता हूँ अपने गाँव के उत्थान के लिए और गाँव के विकास के लिए। बिल्कुल सर। ये देखिए हमारे गांव के कर्मठ सरपंच साहब और उनके युवा साथी, अगर कार्य करते हुए कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसको कैसे फेस करते हैं आप देख सकते हो, और क्या देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। इनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको सब मिलके अच्छे से, आप देख सकते हैं किस तरह से सभी एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। ये देखिए एक टायर पंचर होने के बाद भी इन लोगों ने किस तरह से इस वाहन को स्टार्ट किया है आप देख सकते हो अच्छे से। ये देखिए सब लोगों ने मिलके कैसे
इस ट्रैक्टर को दोबारा से स्टार्ट किया। ये टायर पंचर हो चुका था। चाहे कुछ हो जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई भी रुकना नहीं चाहता, कोई रुकावट नहीं। आप देख सकते हो ये इंडिया है, और इंडिया में हमारा हरियाणा, और हरियाणा में हमारा जींद, और जींद में जाजवान जुगाड़ सबसे पहले। जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर विघन आया था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जैसे कि पंचर हो गया था ट्रैक्टर के अंदर। तो इनकी कोरोना वायरस की मुहिम दोबारा से स्टार्ट होती है, और गांव को सैनिटाइज करते हुए मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी युवा टीम जाजवान गांव की लगी हुई है। और आप देख सकते हैं फिर से पूरी प्रॉपर तरीके से वो मैनेजमेंट के तरीके से सारे लग चुके हैं और अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए। इस तरह के आजकल इस तरह के जागरूक सरपंच की ज़रूरत है, जो हमेशा अपनी अपने गाँव वालों के साथ खड़ा रहता है। तो बीच में हमारी बात रुक गई थी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से, तो अभी जैसे आएंगे हम उनसे दोबारा से बात करेंगे। ये गांव का जाजवान गांव का मुख्य एरिया जहां पे दिन भर भीड़ लगी रहती थी लोगों की, लेकिन आप कोरोना के चलते हुए आप देख सकते हो पूरा गांव का गांव सभी अंदर हैं, और गांव की जो मुख्य दुकानें होती थी वो भी बंद हैं। पूरा गांव इस कोरोना की लड़ाई में साथ दे रहा है। ये इस गांव के मुख्य जगह हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे सरपंच साहब कैसे इस कार्य में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा गांव सुनसान है, कोई भी आदमी अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी की कही हुई बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहता, और सभी ये चाहते हैं कि भी हमारा देश इस कोरोना की लड़ाई से मुक्त हो। तो जैसा कि आज तक आपने सिर्फ मुझे देखा था चैनल के ऊपर, ये हमारे साथ में दूसरे भाई हैं विनोद सैनी, तो इनके साथ आज मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, और ये भाई भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, और आज से AKD टीम के अंदर ये हमारे न्यू मेंबर हैं, तो इसको आप वेलकम करें। तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि भी आपके साथ काम करके, और जैसे जैसे हमारा चैनल लोग इसके साथ फॉलो भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और मैं सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भी आप हर न्यूज़ को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके पास हर अपडेट टाइम टू टाइम पहुंच सके। धन्यवाद जी। भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी जो आप हमारे साथ आए और अपने गांव को कवर किया आज, अनिल ढांडा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। सर एक्चुअली हमारा तो काम रहता है कि जिस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं, तो जो भी हमारी ये वीडियो देखता है तो उससे क्या होता है कि जागरूकता फैलती है, एक वीडियो को देख के दूसरे सरपंच के मन में भी आता है कि वो इस तरह का काम करे, तो एक अवेयरनेस के लिए, एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम ये काम करते रहते हैं। हम आपके कोई बात नहीं, हम भी हमारी आपके आपने मौका दिया या बुलाया आपने, क्योंकि हम भी सजग रहते हैं भाई, कोई किसी तरह का काम हो पीछे ना भाग के हम दिखाएं लोगों को भी क्या काम कर रहे हैं। बीमारी के अंदर बहुत सारी पंचायत और गाँव के अंदर जाके जो इतना अच्छा काम किया, जो सोशल मीडिया पर आप पूरे छाए हुए, और हमें आपकी ये पोस्ट देख देख के तभी भाई को फ़ोन किया, भाई हमारे गांव को भी कवर करो, और इस तरह का कोई हमारे गांव में जो जागरूकता का अभियान है चलाया जाए। और आपने टाइम पे फ़ोन करते ही आप हमसे भी पहले गांव में पहुंच गए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा सर। सर मैं आपसे थोड़ी सी दो चार बातें पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा आगे आएंगे, जैसे कि आप एक बुजुर्ग के नाते मैं आपसे पूछूंगा, जैसे बुजुर्ग क्या करते थे, जैसे टाइम पास नहीं होता था तो जैसे बैठकों में या इधर उधर जैसे ताश खेलते रहते थे, तो अभी अपने गांव में इस तरह की कोई मुहिम है, कोई ताश खेल रहा है या छोड़ चुके हैं? नहीं अब कोई नहीं खेल रहा, सब अपने अपने घर रहते हैं, ताश तो कुछ नहीं खेलता, और ना ही वो के नाम है, ये बच्चे एक दिन क्रिकेट भी खेल रहे थे, वो भी मना कर दिया उनको भी कुछ नहीं खेलना। जी जी, सब अपने अपने घर रह रहे हैं। ओके तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मान लीजिए कई लोग क्या होता है नहीं कंट्रोल कर पाते, ताश खेलते मिलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एज ए आप गांव पंचायत के मेंबर भी हैं और एक बुजुर्ग के नाते, तो उनको आप किसी तरह से किस तरह से उनको समझाते हैं? उनको समझाते हैं भाई मोदी जी के आदेश हैं भाई, किसी को ताश नहीं खेलना, इकट्ठे नहीं बैठना, अपने घर में रहना है। चलो बहुत बढ़िया लगा, इस तरह से अगर आप मैसेज पास करेंगे लोगों को तो आई थिंक वो मानेंगे, तो आप लोगों से बात करके बढ़िया लगा। हम एक दो गांव के बंदे से और बात करना चाहेंगे भाई साहब के बारे में, थोड़ा सा विचार लेंगे भाई किस तरह के यहाँ के जो सरपंच हैं वो अब इसके बारे में रिव्यू देंगे, तो उनसे हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करके बढ़िया लगा जी। ओके थैंक यू। रहे हैं हमारे सरपंच साहब कितनी फुर्ती के साथ ये कार्य कर रहे हैं,
दोस्तों जैसे कि हमने सरपंच साहब से बात करी तो ये गांव के बंदे हैं, हम भी पूछना चाहेंगे भाई यहाँ के किस तरह के सरपंच हैं और किस तरह के नहीं। सर यहाँ पे जो सरपंच है अपने जाजवन गांव के, वो किस कैसे सरपंच हैं? सरपंच साहब बहुत बढ़िया सरपंच की ड्यूटी कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे होने के नाते जो गाँव में सफाई का विशेष ध्यान है, जो गाँव में किसी को भी क्लोज नहीं बैठने देते, अभी जैसे मोदी साहब ने जैसे बोला प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद सरपंच साहब ने गाँव में अनाउंस करवाते हैं डेली कि कोई बाजार में नहीं जाएगा, ना ही कोई बीच में अपने इकट्ठा होकर बैठेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का जो बताया है उसके लिए विशेष ध्यान रखते हैं। और युवा दल को भी इन्होंने सतर्क करके रखा है, वो भी गांव में घूमते हैं, जो ताश खेलने वाले थे वो उनको भी बंद कर दिया है, जो इकट्ठे बैठ के हुक्का पीते थे उनको भी सबने बंद कर रखा है। गाँव में बार बार दवाई छिड़कवाना, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान कर रहे हैं। जी जी सर, जैसे आप एक गाँव के सदस्य होने के नाते आपने भी किसी तरह का कोई सहयोग किया है यहाँ पे? हाँ जी, वैसे मैंने सरपंच साहब को अपनी तरफ से बोला कि गांव में धूप वगैरह का जो चढ़ाते हैं रात के, शाम के टाइम में, वो बोला बच्चों को अपनी मेरी तरफ से एक पेटी धूप की दे देना 10 किलो की, ताकि गांव में सैनिटाइजेशन के लिए धूप से भी कुछ अच्छा होता है। और गांव में जैसे भी कोई भी मेरे को मौका मिले, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी कुछ हेल्प करूँ गाँव के लिए, डोनेशन करें या कुछ भी, जैसे शारीरिक हो या जो मंथली पैसे से हो, कुछ भी हो, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं अपने बंदों के लिए, क्योंकि ये सबको मौका नहीं मिलता और जिसके पास हो उसने करना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया है, देखो ये एक समाज हित की बात है, जिस तरह से देख रहे हैं कि जिन अपने क्या ना पूरे हर इंडिया के अंदर थोड़ा सा इसका मामला बढ़ने जा रहा है, बढ़ रहा है जिसे डेली हम देख रहे हैं, तो इसके लिए अगर सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही नज़र रखेंगे तो अकेली गवर्नमेंट तो नहीं लड़ पाएगी, जब हम पर्सनली तौर पर नहीं लड़ेंगे तो इसको आपने जो गाँव के अंदर सहयोग किया वो बहुत ही सराहनीय है। तो आप गांव वाले के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आम पब्लिक है, जो गांव के सदस्य है, भाई किस तरह का कोई मुहिम करनी चाहिए गांव वालों ने खुद भी? बिल्कुल सर, ये ऐसा है कि अपने गवर्नमेंट के भरोसे तो सारी चीज़ काम नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमने अगर साथ में मिलकर सब काम करेंगे तो सारी चीज़ ठीक होगी, और इसमें हर बंदे ने थोड़ा बहुत जितना भी सहयोग हो सकता है वो सहयोग करना चाहिए सर जी। मैं यही बोलता हूँ कि अपने जैसा भी जिस टाइप का सहयोग है वो अपना सहयोग हर किसी ने देना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा बात करके आपसे, बहुत ही अच्छे विचार हैं और हर एक नागरिक के विचार ऐसे होने चाहिए, तो अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जैसे जाजवण गांव के अंदर हम आज हैं और जैसे एक गांव वाले से भी हमने विचार लिए थे यहां के सरपंच के बारे में, तो अभी यहां पे बात करेंगे, ये यहां के डॉक्टर हैं जो यहां एज ए डॉक्टर काम करते हैं जाजवण गांव के अंदर, एक समाज सेवी के तौर पे भी ये काम करते हैं सरपंच साहब ने जैसे बताया था, तो भाई साहब ये जो आपके गाँव के सरपंच हैं वो कैसे हैं, किस तरह के सरपंच हैं? हमारे गांव के सरपंच जो हैं, जो सरपंच को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार आदमी हैं, और जो ये बीमारी फैली हुई है इसके बारे में ये दुकानदारों को, लोगों को और सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक करते हैं, जहाँ भी लोग इनको खड़े दिखाई देते हैं, ज़्यादा लोग खड़े दिखाई देते हैं, ये उनको बार बार समझाते हैं, और लगभग ये तीसरी या चौथी बार गाँव को सैनिटाइज़ किया गया है इनके रिप्रेजेंटेशन में। तो राजेश जी बहुत बढ़ चढ़कर गांव के जितनी भी गतिविधियां हैं सफाई की है या इस कोरोना को लेके है, तो लोगों को बार बार जागरूक करते हैं सफाई के बारे में, हाथ धोने को लेके और कपड़े साफ़ रखने हैं, मास्क लगाना है, दुकानदारों को ये बार बार समझाते रहते हैं जी। बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्या सिर्फ एक सरपंच की ड्यूटी है एज एक गाँव के सदस्य होने के नाते, क्या एक आम पब्लिक का फर्ज नहीं है कि वो भी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी करती रहे? बिल्कुल, आम पब्लिक का भी बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जब आम लोग ही इस बात को मानेंगे तभी ये जो बीमारी है ये दूर जा सकती है, तो इसलिए आम लोगों को भी चाहिए कि वो जो चीज़ें बताई जाती हैं इस बीमारी के बारे में उनको समझें और उनका पालन करें। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप आस पड़ोस में देखते हैं, जैसे अभी भी ये सैनिटाइज के टाइम पे कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, तो इस तरह से आप एक नागरिक होने के नाते तो आप उनको समझाते हैं भाई आप घर में रहें, ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी करें, किसी तरह का आपने कुछ एक्टिविटी की है खुद? हाँ, हम लोगों को, बच्चों को और जो बच्चे यहाँ खेलते हैं उनको भी बार बार समझाते हैं, उनको बताते हैं, और ये थोड़ी सी मैं कहूँगा कि अशिक्षा है, शिक्षा की कमी के कारण लोग नहीं समझ पा रहे, तो मुझे मैं बार बार इनको हम समझाते हैं और समझाते रहेंगे ताकि बीमारी जल्दी ही यहाँ से चली जाए। बहुत बढ़िया, देखिए आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं, और जहाँ तक जैसे हमारी जो भी वीडियो देखेगा तो उसको ये वीडियो देख के भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो अच्छा है, देखो आप जैसे जो युवा लोग हैं उनकी सोच बढ़िया है तो उसका असर ज़रूर होगा। थैंक यू, बात करके बहुत बढ़िया। अपना अपना सारे पता नहीं है कोरोना फैला हुआ है।
ये देखो गांव के पढ़े लिखे सरपंच हैं और ये लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन ये भीड़ लगाए हुए हैं कहीं कहीं पे। ये अशिक्षा का एक बोलेंगे कि शिक्षा का अभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे हम वीडियो बनाने आए हुए थे तो एक सज्जन बीच में ही बोल पड़े कि हमारे जो सरपंच है बहुत अच्छे हैं, काम अच्छे करते हैं, तो वैसे पूछना चाहूँगा तो सरपंच यहाँ के बढ़िया हैं? बढ़िया जी। जब अच्छा ये किसी तरह की कोई काम में कमी है? ना जी, ये हमेशा आगे रहते हैं। हाँ जी आगे। तो फिर आपको इसी तरह का सरपंच चाहिए हमेशा? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया जी, ये तो आगे योजना में भी सोच रहेगी यही सरपंच आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, तो यहाँ के गांव के मतलब 36 बिरादरी इनको पसंद कर रही है? जमा एकदम जी, पसंद आया जी। चलो बहुत बढ़िया।